हे गाइस वेलकम टू डांस फ्रीक्स, मैं हूं निशांत और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बिना डांसिंग हमेशा अधूरी रहती है। वैसे आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, ये वीडियो एक्सप्रेशंस के बारे में है। अगर कोई भी डांसर कितना भी अच्छा डांस करता हो लेकिन अगर उसे एक्सप्रेशन देना नहीं आता हो तो यहाँ से अगर डांस नहीं कर पाता हो तो फिर उसका डांस प्रॉपर लगेगा ही नहीं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सप्रेशंस किस तरह से वर्क करते हैं और हम उसे अपने डांस में किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि किसी भी डांसर के लिए ये पार्ट फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपने फेस के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि हमारे फेस में बहुत सारे छोटे छोटे मसल्स होते हैं जिनकी मूवमेंट की वजह से हम एक्सप्रेशन दे पाते हैं, ठीक है। अब हमें कौन से टाइप के एक्सप्रेशन देने हैं वो किस पर डिपेंड करता है, हमारे फेस के दो सेक्शन ऊपर, आईब्रोज और लिप्स। आईब्रोज की ये सब मूवमेंट से हम एक्सप्रेशन दे सकते हैं और नीचे के जो लिप्स का पार्ट है उसमें हम स्माइल या सैड उस हिसाब से हम लोग एक्सप्रेशन दे पाते हैं। तो इन दोनों पार्ट्स के कंट्रोल से हम काफ़ी हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब जब हम परफॉर्म करते हो तब कौन से टाइप के सॉन्ग पे हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी क्या फीलिंग है, उस पर हम लोग उस हिसाब से हम लोग एक्सप्रेशन दे पाएंगे। अगर हैप्पी सॉन्ग है तो हम हंसते हुए परफॉर्म करेंगे, अगर सैड सॉन्ग है तो सैड एक्सप्रेशन होंगे। लेकिन उस एक्सप्रेशन के साथ में एक एक्स फैक्टर देना ज़रूरी होता है। हमारे फेस पर एक स्टेज पर प्रेजेंस होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे फेस पर दिखना चाहिए और एक स्टार वैल्यू जैसा लगना चाहिए। अगर वो नहीं हो तो भी हम मैकेनिकल हमारा एक्सप्रेशंस लगेगा। तो उस चीज़ को प्रैक्टिस में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कोई भी सॉन्ग प्ले करो और आईने में अपने आप को देखो और उस सॉन्ग के लिरिक्स को गाते हुए ऐसे इमेजिन करो कि आप उस सॉन्ग के पार्ट हो और आप उस वीडियो में आप प्रेजेंट हो, तो आपका फेस कैसा दिखना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आपके फेस पे उस टाइप के एक्सप्रेशंस आएंगे एकदम स्टाइलिश और आपके फेस पर वो एक्स फैक्टर दिखाई देने लगेगा। तो जैसे जैसे आपको ये परफॉर्मेंस वाला जो फैक्टर आपके फेस पर आने लगे उसके साथ साथ आपको सॉन्ग के फीलिंग के हिसाब से एक्सप्रेशंस देने आना चाहिए। तो सॉन्ग को सबसे पहले तो फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फीलिंग के साथ साथ आपको ये नॉलेज भी पता होना चाहिए कि जो हम फेस पर स्टेज पर जो मूड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उनके कौन से टाइप के मूड होते हैं। उसका एक कंसेप्ट है नवरस। नवरस मीन्स 9 रस, रस मीन्स इमोशंस। 9 अलग अलग टाइप के बेसिक इमोशंस हैं जिनके कॉम्बिनेशन और उनके सब कैटेगरीज पर से हम बाकी सारे एग्जिस्टिंग इमोशंस को दिखा सकते हैं। तो ये 9 इमोशंस कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहला है हास्य रस, करुण रस यानी कि सैडनेस, रौद्र यानी कि एंगर, विभत्स यानी कि डिसगस्ट। फिर आते हैं अद्भुत रस यानी कि वंडर। उसके बाद आता है भय रस यानी कि फियर, श्रृंगार रस। फिर आता है वीर रस। फिर आता है शांत। तो ये है हमारे 9 एक्सप्रेशंस, 9 मूड्स, 9 फीलिंग्स, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपका होमवर्क ये है कि मिरर के सामने प्रैक्टिस करो इन एक्सप्रेशंस की। ज़रूरी नहीं है कि सभी एक्सप्रेशंस आ जाए, इसलिए जितने हो सके उतने ठीक है, लेकिन जो मेन हमें स्टेज पर परफॉर्म करने लायक हैप्पी सैड और उसके कॉम्बिनेशन जो है हमें स्टेज पर एक्स फैक्टर लाने वाला चीज़ है उसकी प्रैक्टिस करो सॉन्ग्स के साथ मिरर के सामने अपने आप को प्रेजेंट करके, ठीक है। एक्ट करो, इस तरह से बिहेव करो कि आप वीडियो के अंदर हो और उस टाइप का बॉडी लैंग्वेज में और अपने फेशियल एक्सप्रेशन में लाने की कोशिश करो। तो ये अगर चीज़ हम अपने परफॉर्मेंस में ऐड करेंगे तो एक प्लस पॉइंट इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। अब हम कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या आप जानना चाहते हो, ओके। और डांस रिलेटेड बाकी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए डांस फ्रीक्स और सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप डांसिंग।